अब हम लोग को देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर टैक्स यू ऑल आर रेडी आप लोग को इसमें बड़ी टेंशन होता होगा दो चीज आप लोग को इसमें बड़ी सताता है एक डायरेक्ट टैक्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इन सब के बाद आप लोग को लगता है जीएसटी क्या है बस बच्चों को यही दो चीज समझ में आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जीएसटी खुश खुश अरे भाई क्या हो गया है पूरा एकदम टैक्स समझ में आ गया टैक्स एक अन्य देखिए सरकार के पास बहुत ज्यादा वर्क लोड होता है उसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए इसलिए सरकार की मजबूरी हम लोग को टैक्स लगाना इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एडम स्मिथ का आधान का सिद्धांत दिए थे फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है yes. एडम स्मिथ yes. और इंडियन इकोनॉमी के सरैया इंडियन इकोनॉमी सरैया एनी प्रॉब्लम देखिए जितना जरूरी जितना निश्चित मृत्यु है ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी व्यक्ति में महिला भी आती है लोग व्यक्ति में आप लोग भी आते हैं तो जैसे मृत्यु निश्चित है कोई इंसान यह कह सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी ah? उसी तरह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि उसका टैक्स नहीं दिया गया लैका पैदा होने से पहले टैक्स देना चालू कर देता है हाँ वो दवाइया जो उन खाता है ना उसकी जब वो पेट में रहता है तो उसकी माँ दवा वगैरह खाती है उसको कैल्शियम वगैरह की कमी ना हो जाए अमूमन आयरन कैल्शियम क्योंकि वो माँ का शरीर का सब चीज ले लेता है आयरन कैल्शियम तो माँ कमजोर हो जाएगी तो बच्चे पे भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे खास करके ना जब कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसमें कैल्शियम आयरन और इंसुलिन इंसुलिन की बहुत मतलब हो जाता है इंसुलिन लेवल मतलब उस एज ए शुगर पेशेंट की तरह हो जाती है वो समझ रहे हैं ना जैसे एक शुगर पेशेंट के लिए क्या होता है वैसे ना वो शुगर की एक तरह टेम्प्रोरी शुगर हम परमानेंट पेशेंट नहीं वहाँ पे तो ये नॉर्मल हो ही जाता है यहाँ पे तो वो जब भी आप दवाई खरीदिएगा ना उस पर भी क्या लगा है टैक्स अब दवैया किसके लिए खरीदाया गया छोटका के लिए पैदा हो से पहले टैक्स देना चालू किया हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गया बिल विल बना उस पर भी टैक्स लगल है मरने के बाद अगर आप जाइएगा परिवार रजिस्टर में नाम कटवाने और उसकी उसकी संपत्ति अपने नाम पे कराने जैसे मान के चलिए किसी के दादाजी की मृत्यु हुई आपके पिताजी मृत्यु के एक दो महीने बाद अब जब सारा क्रियाक्रम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हो जाते हैं तब सरकारी क्रिया काम होता है उसमें क्या होता है कि जब वो जाएंगे संपत्ति अपने नाम पर कराने तो टैक्स लिया जाएगा सरकार मृत्यु कर काहे मरे मतलब उनकी मृत व्यक्ति की संपत्ति आपके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए तो समझ रहे हैं गर्भ से लेके कब्र तक आपको टैक्स देना है जब से पैदा हुए हैं गर्भ में है और जब तक कब्र में नहीं चले गए तब तो, तक आपको क्या देना है टैक्स देना है टैक्स बहुत ज़रूरी है उसका रीज़न भी है सरकार के पास बहुत सारे खर्च करने है। आप एक काम कीजिए सरकार का खर्च देखना है तो अपने अपने मोहल्ला का सड़क बनवा दीजिए अपने मोहल्ले में जो सड़क बन रहा है ना उस सड़क को बनवा दीजिए आप चुपचाप बस देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार का खर्च क्या चीज़ होता है अरबों खरबों का खर्च है जैसे बिहार सरकार को आपको अगर हम कहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं आपको अगर हम साल भर का सत्तर हजार रुपये दे देते हैं यानी पाँच हजार रुपये मंथली बारह पचे साठ हजार तो एक आपका फिक्स्ड है कि पाँच हजार रुपया मंथली आपका खर्चा है तो साठ हज़ार रुपया सालाना हुआ और तीस हजार एक्स्ट्रा दे दिया आदमी कि आप ये रख लीजिए यानी एक लाख रुपया में आपके साल भर का खर्चा हो जाएगा एज ए एक स्टूडेंट साल में कितना खर्चा कर देता है एक लाख खर्च कर देता है आप लोग समझ में आएगी नहीं आ गया मंथली अगर जोड़ते हैं अगर आपका क्योंकि कई बार ना आप जब एडमिशन वगैरह लेते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है? अब बिहार सरकार को चलाने के लिए भी कितना चाहिए ढाई लाख करोड़ एक करोड़ दो करोड़ नहीं ढाई लाख करोड़ समझा इतना पैसा दीजिएगा ना बिहार चल पाएगा क्योंकि जितना बिहार का खर्चा है क्योंकि खर्चा रोक नहीं रख सकते इतनी पुलिस लगी हुई है उसको पैसे देने हैं इतने टीचर की वैकेंसी हुई उनकी सैलरी देनी है जितने कर्मचारी उनकी सैलरी देंगे कि नहीं देंगे यहाँ पे सबकी सैलरी देने में खर्चा कितना खर्चा लगता है ढाई लाख करोड़ सो सकते हैं टैक्स नहीं देंगे तो हम लोग चल पाएंगे नहीं, नहीं। तो टैक्स बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार इसी टैक्स के बदौलत आपको क्या करती है सुरक्षा मुहैया कराती है हमारे लिए सड़कें बनाती हैं हम बस बिजली का बिल देते हैं क्या कभी ट्रांसफार्मर का पैसा दिए हैं पोल लगा है तार लगा इस सबका पैसा दिए है? हैं नहीं दिए हम लोग हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो केवल ट्रेन का किराया देते हैं रेलवे लाइन बिछाई गई है ट्रेन में बना है इंजन वो सब का हम लोग से मतलब नहीं है अब सरकार अपना पैसा वसूलते रहे अब बंदे भारत के आप टिकट कटाएंगे तो क्या पहले महीने में उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा पांच साल वंदे भारत चलेगी तब तो जाके तो, तो उसका वो निकलेगा जितना एक्सपेंस है नहीं समझे क्योंकि रनिंग कॉस्ट भी तो आता है ड्राइवर सैलरी लेगा गार्ड लेगा टीटी लेगा उसमें खाना पीना दिया जा रहा है मेंटेनेंस है सफाई है उसका बिजली है जो बिजली पर चल रही है उसका अपना बिल है कि नहीं है तो तुरंत थोड़ी ना रनिंग कॉस्ट निकल जाता है आपका बहुत चीज है तो सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी तो टैक्स क्यों जरूरी है समझ में आ गया

इज अ लिविंग थिंग बट नॉट ब्रीद कंपनी एक जीवित व्यक्ति की तरह है लेकिन सांस नहीं लेता है जो नियम आप पे लगेगा वही किस पे लगेगा कंपनी तो व्यक्ति और कंपनी पे लगेगा टैक्स कौन सा है डायरेक्ट सामान पे लग गया किताब पे लगेगा इन माची माचिस खरीदेंगे पेट्रोल खरीदेंगे समझ में आ गया कि नहीं आएगा कौन सामान वामान खरीद लिए इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा समझ में आ गया आदमी पे लगेगा इनकम टैक्स आदमी पे लगा इनकम टैक्स अरे इनकम टैक्स आप सामान पे थोड़े लगेगा आप कमाए पे लगे आपकी कंपनी पे लग गया कारपोरेट टैक्स डायरेक्ट कंपनी पे लग गया डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया और किसी सामान खरीदेंगे तो इनडायरेक्ट तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला के तौर पे आप याद रखेंगे सामान पे लगा तो कंपनी या आदमी पे लगा तो आदमी नहीं व्यक्ति आप लोग घुस आ जाएगा हम लोग तो टैक्स के बाहर हैं समझ में आ रहा है ना आप लोग टैक्स के बाहर नहीं है तुम लोग छोटकी छोटकी पबनी लोग बड़ी बबनी लोग कोई दिक्कत चलिए तो टैक्स समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम आपसे बोलेंगे तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है एसी खरीदने पे टैक्स लगेगा इन डायरेक्ट जमीन खरीदने पे स्टैंप ड्यूटी अभी आप लोग धीरे धीरे समझने जागेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी तो पहले प्रथम दिशा तो आप समझ गए ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्टी तो लास्ट का चीज होता है पहले टैक्स लगाने की थिंकिंग कहां से आई तो थिंकिंग सोच आई टैक्स लगाने की तो वो सबसे पहले सोचा गया कि समानुपाती लगाया जाए समानुपाती समानुपाती टैक्स लगाया गया प्रोपोशनल टैक्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टैक्स प्रोपोर्शनल टैक्स समानुपाती टैक्स ये उटपटांग है जितना गरीब पे लगेगा उतना ही अमीर पे लगेगा समान अनुपात में लगने वाला टैक्स समानुपाती सपोज कह दिया गया कि आप 20 परसेंट टैक्स दीजिएगा तो 20 परसेंट गरीब भी देगा और 20 परसेंट अमीर भी देगा पुअर एंड रिच सब क्या देंगे सेम देंगे बीस कितना बीस सपोज ये तीस हो या पांच हो क्या आपको लगता ये सही है दिस इज नॉट ट्रू नॉट दिस इज नॉट फेयर True नहीं डिस नॉट फेयर अच्छा बात नहीं है क्योंकि गरीब आदमी बीस परसेंट ठोक देंगे अमीर आदमी अच्छा बात है नहीं है ये टैक्स सिस्टम उतना अच्छा नहीं है तो क्या भारत में समानुपाती टैक्स है नहीं है पहले तो हम थिंकिंग देखते हैं कौन सा टैक्स हमारे यहाँ है उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरा होता है समानुपाती हो गया अब एक हो गया प्रगतिशील प्रगति प्रगतिशील टैक्स प्रोग्रेसिव प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव अब बताओ भैया ये तो और खतरनाक टैक्स है इसमें क्या कहता है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है Income. तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा तो इसमें आपको शुरुआत में लगेगा क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है लेकिन दिक्कत होगा सपोज कीजिए कि कोई आदमी एक लाख रुपया कमाया साल भर में तो गरीबी रेखा में साल में एक लाख कमाया अपने बच्चे को पटना भेज के पढ़ाने में उसको बहुत दिक्कत होगा समझ में आ गया कि नहीं और पटना के लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने आया है वो गरीब कैसे है आपको समझ में कि भाई ये तो पढ़ने आया है गरीब कैसे है उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से कि तुम गरीब हो मतलब घरे रहो जबकि यहाँ आधे बच्चे हैं पुअर फैमिली या पुअर से थोड़ा सा ऊपर फैमिली से है स्वाभिमान बचाने के चक्कर में कोई खेत गिरवी रखा है तो किसी के यहाँ पैसा तब आएगा जब अनाज बिकेगा अभी धान कटाया होगा हाँ धान कटा गेहूँ रोपाया होगा तो पहले धान कटा जाएगा बेचाएगा उसमें उसके कुछ पैसा रखा जाएगा गेहूँ रोपने के लिए बोने के लिए हाँ भाई बेचा गया चलिए कोई बात नहीं बहू भैंस बेच दिए तो कोई दिक्कत नहीं जब अब पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है पढ़ लिख लीजिएगा तो पिताजी को फोर व्हीलर पर घुमा दीजिएगा समर्पित रहना पड़ेगा तकलीफ होती है सबको तो आप समझिए ये टैक्स एक समय के बाद दिक्कत करता है ये गरीब और अमीर पे बराबर लगता है सॉरी ये जो है ना समानुपाती ये गरीब और अमीर पे क्या लगता है बराबर गरीब पे जितना लगेगा उतना ही किस पे लगेगा अमीर पे लगेगा जितना लगेगा गरीब पे उतना ही लगेगा अमीर सील. पे अब प्रगतिशील गरीब पे कम अमीर पे ज्यादा ये बताइए कम कमाएंगे कम टैक्स ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स लगेगा अब बहुत ज्यादा कमा लेंगे तो बहुत टैक्स लगेगा ये भी अच्छी बात नहीं ना है जी आप खुद सोचिए एक समय आएगा कि टैक्स बढ़ते जाएगा आप पांच लाख कमाएंगे पांच परसेंट दस लाख कमाएंगे टैक्स और बढ़ेगा दस करोड़ कमाएंगे और बढ़ेगा एक समय आएगा कि आबानी अडानी के ऊपर नब्बे परसेंट लग जाएगा बढ़ते जा रहा है ना आपका इनकम बढ़ रहा है वो टैक्स बढ़ रहा है इनकम बढ़ रहा है टैक्स बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है तो क्या भारत में ये वाला टैक्स है नहीं है ये वाला टैक्स नहीं है लो भैया अब क्या होगा हम कौन सा टैक्स लगाएंगे ना हमारे पास समानुपाति है और ना हमारे पास प्रगतिशील है अमीर गरीब पे बराबर लगेगा समानुपात समानुपात, और अमीर पे कम गरीब अमीर पे ज्यादा गरीब पे कम कौन लगेगा भारत में आपको लगाना है तो दोनों विचार में से किसको लगाएंगे हा? दोनों में कोई नहीं हमारे यहाँ दोनों लगाए हमारे यहाँ दोनों लगा है अब बताइए आप तो कह रहे थे दोनों में से कोई नहीं लेकिन हमारे यहाँ दोनों लगा है समझिए ध्यान से कैसे लगा है दोनों हमारे यहाँ है अधोगामी अधे दूर जाने वाला कौन सा टैक्स लगा है अधोगामी डिग्रेसिव हमारे यहाँ कौन सा लगा अधोगामी अधो गामी डिग्रेसिव ये क्या कहता है अधोगामी टैक्स समझिएगा कहता है कि शुरुआत में टैक्स बढ़ेगा शुरुआत में टैक्स बढ़ेगा लेकिन एक समय के बाद टैक्स को बढ़ने से रोक दिया जाएगा जैसे हर साल फरवरी में बजट पास होता है तो उस बजट के हिसाब से टैक्स का स्लैब आगे पीछे हो जाता है जैसे अभी न्यू न्यू सिस्टम के हिसाब से ढाई लाख रुपया कमा रहे हैं तीन लाख कमा रहे हैं टैक्स नहीं है तीन से छः कमाएंगे पाँच परसेंट है छः लाख से नौ लाख कमाएंगे दस परसेंट है नौ लाख से बारह लाख कमाएंगे पंद्रह परसेंट है बारह लाख से पंद्रह लाख कमाएंगे तीस परसेंट है ऐसे करते करते क्या हो रहा है बढ़ता है हर साल वो चेंज हो जाता है तो हमारी यहाँ जो टैक्स है वो अधोगामी है ये क्या कहता है कि शुरुआत में हम टैक्स का दायरा बढ़ाएंगे यानी शुरुआत में हम टैक्स को रखेंगे प्रगतिशील कैसा रखेंगे प्रगतिशील यानी शुरुआत में टैक्स का दायरा बढ़ेगा लेकिन एक समय के बाद उस टैक्स को बढ़ने से रोक दिया जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे समानुपाती समानुपाती जैसे हमारे यहाँ जो टैक्स लगता है अब देखिएगा तीन लाख कमाएंगे पांच परसेंट फिर और ज्यादा कमाएंगे छह लाख तो दस परसेंट मतलब तीन लाख पे टैक्स नहीं है तीन से छह कमाएंगे तो पांच परसेंट छह से नौ कमाएंगे तो दस परसेंट नौ से बारह कमाएंगे तो पंद्रह परसेंट गया कि नहीं आ गया अब उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे तो बीस परसेंट उसके बाद फिर जाएंगे तो तीस परसेंट मैक्सिमम कहाँ खत्म हो जाता है तीस परसेंट यानी बढ़ेगा कहाँ तक तीस परसेंट तक तो बढ़ने वाला गुण किसका है हाँ प्रगति जहां जहाँ आप तीस लाख से जामदेह कमा लिए तो फिक्स हो जाएगा कितना परसेंट में फिक्स हो जाएगा तीस परसेंट पे फिक्स हो जाएगा यानी हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो दोनों का मिला के बहुत बेहतर है तीस परसेंट तक टैक्स क्या होता है बढ़ता है किसी चीज पे लगेगा पांच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट मैक्स खींचेगा कितना तीस परसेंट तीस परसेंट के बाद रोक देगा तीस परसेंट बाद रोक देगा अब आप तीस परसेंट के बाद आप जितना कमा लीजिए जैसे कोई तीस लाख रुपया कमा रहा है उस पर कितना परसेंट तीस परसेंट 31 लाख कमा रहा है 30% 30 करोड़ कमा रहा है 30% 300 करोड़ 30% 3000 30 30 करोड़ पूरा जीडीपी ये घोट ले गया 30% लेकिन उससे पहले वालों के लिए क्या है प्र, प्रगतिशील है जैसे 3 लाख से कम कमाए जीरो, नहीं टैक्स देना है 3 लाख से 6 लाख के बीच कमाए 5% 6 से 9 10% 9 से 12 12% 12 से 15 20 आप पंद्रह से ज्यादा तीस उससे ज्यादा घिसते जाइए तीस अब ये जो रेशियो है ना ये बजट आएगा तो चेंज हो जाएगा बजट आएगा तो चेंज हो कोई जरूरी नहीं कि चेंज ही हो जाए लेकिन अमूमन बजट में ही इसको देखा जाता है किसी को दिक्कत